ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇ ਚਮ ਲੋਕ ਇਹ ਅਸਾਰਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਲਾਸ਼ੋਂ ਲਾਸ਼ ਪੜੀ ਹੈ ਔਰ ਬੰਦੇ ਕੋ ਮਾਰਿਆ, ਬੱਚੋਂ ਕੋ, ਔਰਤੋਂ ਕੋ, ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋਂ ਕੋ। 25 बंदे अंदर मारे गए, एक बंदा जो सिक्योरिटी गार्ड से वो भी मारे गए, 26 बंदे मारे गए। मम्मी और पापा वहाँ पर थे और मम्मी भी शहीद हो गई और पापा भी। मेरी ज़िंदगी में जो मैंने पहले ज़ख्म देखा है, वो ज़ख्म मैं तो पहले चाहता हूँ गुरु महाराज को के किसी ने भी ना दे, ना कोई साढ़े हिंदू प्राणू, ना मुसलमान प्राणू, ना सिख। अफगानिस्तान विच कट्टरपंथियां वलों 1000 तों वध सिख अते हिंदू माइनोरिटी दे मेंबरां नूं लगातार खतरे दा सामना करना पैंदा है। मार्च 2020 विच गुरद्वारा हरिराय साहिब उत्ते अतवादियां ने हमला कीता सी, जिस विच 25 दे करीब निर्दोष सिख मारे गए सी। एक बार तो 2018 में जलालाबाद के शहर में 13 लीडर मारे गए और दोबारा जो 2020 में हो गया 25 मार्च को गुरुद्वारे में, तो उस टाइम अफगानिस्तान के जो हिंदू सिख थे उनको बिल्कुल घबराहट हो गई कि और हमारे रहने का जगह या नहीं है। जिथे इंसान की शमशान ना होवे, शमशान भूमि ना होवे, मरण की जगह ना हो, थे जीवन का की फायदा। भारत अफगानिस्तान दे नेड़ले गुआंढियां विच्चों एक है। इतिहास अते सभ्याचार दे सांझे तत्त सांझे करदियां दोवां देशां विचकार मजबूत कूटनीतिक संबंध हन जो कई सालां पिछों चलदे आ रहे हन। वसुधैव कुटुंबकम दी बहुत पुरानी परंपरा जो कि सारे संसार नूं अपना परिवार मानदी है, अजोके समय विच भारत दी हमदर्दी अते सताए लोकां दी रखिया दी इह फिलोसफी दिल विच जीउंदी अते प्रफुल्लित है। कट्टरपंथी अतवाद विरुद्ध अफगानिस्तान की लड़ाई विच भारत ने देश के सताए धार्मिक माइनॉरिटी नूं पनाह वजों सहायता की पेशकश की है। भारत सरकार का एम्बेसडर साहब जो वहाँ आए हमारे गुरुद्वारे में, तो उन्होंने हमारे को तसल्ली दी और हमारे गम के साथ शरीक हुए और उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि हम आपके साथ हैं। अफगानिस्तान विच विदेश मंत्रालय अते इस दे मिशन ने इना माइनॉरिटी कम्युनिटी दे मेंबरां नूं अफगानिस्तान तो भारत विच पुनर्वसन दी सहूलत दित्ती है। भारत सरकार ने मेन चीज इशू की एक वीज़ा एक फ्लाइट का इंतजाम कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन था, कोई भी फ्लाइट और वीज़ा नहीं था। अफगानिस्तान सरकार दी सांझीवालता सदके वजों सिख कम्युनिटी दे सताए मेंबरां दा पहला जत्था 28 जुलाई नूं सुरक्षित ढंग नाल भारत विच आया सी। अफगानिस्तान विच निशाना ला के हमला करन वालियां तो बचाउण लई अफगानिस्तान विच्चों सिख माइनॉरिटी दे कुल 357 मैंबर इस साल भारत विच आए सन। भारत सरकार ने नागरिकता सोध एक्ट 2019 नूं लागू कीता। 1955 दे नागरिकता एक्ट नूं सोधिया अते दिसंबर 2014 तो पहलां भारत विच रह रहे गुआंढी देशां दे हजारां धार्मिक तौर ते सताए गए हिंदू सिख बोधी जैन ईसाई माइनॉरिटी कम्युनिटी दी भारतीय नागरिकता लई राह तैयार कीती। ए कम्युनिटी मेंबर लंबे समय तो नागरिकता दे अधिकारां दी मंग कर रहे सन अते CAA 2019 इना माइनॉरिटी कम्युनिटी दे हितां दी राखी लई भारत सरकार द्वारा लिया गया एक मनुखवादी फैसला सी। अज भी अफगानिस्तान तो मुड़ स्थापित किए हिंदू अते सिख परिवार शांति अते सद्भावना नाल जीवन जी रहे हन। चुनौतियां हजे भी मौजूद हन अते जख्म भरन अते निशान जाण विच कुछ समा लगेगा, पर शांति अते स्थिरता दे वातावरण नूं देखते हुए कम्युनिटी अपनी आने वाली पीढ़ियां दे चंगे भविख की उम्मीद कर सकती है। गवर्नमेंट इंडिया जिहड़ी है हर किसी दे नाल हुकूमत करदी पई है, चाहे सिख होवे, चाहे मुसलमान होवे, चाहे हिंदू होवे, चाहे ईसाई, जिसे नाल जिहड़ी जिहड़ी जगह विच भी हिंदुस्तान ने पहले पहले ही कदम उठा के ही उन्होंने कोम की आगे अगर बारी जिंदगी सही हो जाए, लाइफ सही हो जाए कि बच्चों की, और हम कहीं चाहे फंस या चाहे हम जगह ठीक है हम बैठ जाएंगे। जिस तरह वहाँ जब तक हालत ठीक थी, हम खुश थे, परिवारों में सब कुछ अपने निज़ाम में ठीक था, यहाँ भी वही उसी तरह चाहते हैं। अब यही मेरा हमारा घर है,
वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।